नाउ इसका टॉपिक क्या था? ऐसे मरीज जो मरीज होने के बावजूद स्मोकिंग कर रहे हैं, बट इसने किसको चूज किया? वो लोग जो हॉस्पिटल में थे वो स्मोक कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम इसके सैंपल अवेलेबल नहीं थे। सभी को समझ में आया, सैंपल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो इसको कोई ऐसा पर्सन दिखा जो हॉस्पिटल का स्टाफ का था। बट बीइंग अ स्टाफ मेंबर ही और शी वाज आल्सो स्मोकिंग इन अ नॉन स्मोकिंग जोन, और उसने उसी को सैंपल के रूप में चुना और अपने क्वेश्चन में उससे पूछ लिया। तो इसने अपना पर्पस सॉल्व किया ये बगैर देखे कि वो उसके पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है भी या नहीं। सभी को समझ में आया, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है भी या नहीं। तो इसको कर बिना जांचे इग्नोर करे उसने उससे एज अ सैंपल के रूप में चुन लिया। इसको हम क्या कहेंगे? पर्पस एट सैंपलिंग। दूसरा एग्जांपल, लेट्स इमेजिन शी बिलोंग टू साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया को बिलोंग करती है, ठीक है? चलो कोई है साउथ इंडिया तो कोई बनना चाहिए, ठीक है? लेट्स इमेजिन शी बिलोंग्स टू साउथ इंडिया। उसको दिल्ली में लोगों का जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसके ऊपर रिसर्च करना है। नाउ बिकॉज़ शी इज नॉट नॉट अ लोकलाइट, और उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि दिल्ली में ज्यादातर लोग रिच रहते हैं, या ज्यादातर दिल्ली में रहने वाली पॉपुलेशन रिच पीपल को रिप्रेजेंट करती है, और उसने केवल कुछ लोकैलिटीज के नाम पकड़ लिए, साउथ एक्स, साकेत, वसंत कुंज, समझ में आया, या कोई भी एरिया जहाँ पॉश एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, और केवल वहीं जाकर अपनी सैंपल्स को चुना और वहां पे